Welcome to this channel MechIT-KAH. You can subscribe this channel for more videos on mechanical engineering. Hello guys, आज के इस वीडियो में आप सीखोगे कि रिब कमांड किस तरह से यूज़ करना है इन अ क्रियो पैरामेट्रिक 2.0. ओके, सो सेम प्रोसेस यू कैन फॉलो इन द अदर वर्जन्स ऑल्सो. द प्रोसेस एंड द टूल्स आर बोथ एंड द फंक्शन बोथ आर द सेम्स. ओके, सो सबसे पहले रिब कमांड के अंदर हम देखेंगे कि प्रोफाइल कमांड किस लिए यूज़ करना है और किस तरह से यूज़ करना है इन अ क्रियो पैरामेट्रिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर. ओके, सो ये कमांड यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके पास में इस तरह का मॉडल होना चाहिए जहाँ पर आप रिब अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, रिब हम सिर्फ सपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी वर्टिकल कॉलम को सपोर्ट देने के लिए या फिर हॉरिजॉन्टल बेस को सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ पर रिब अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले रिब कमांड सेलेक्ट करो, प्रोफाइल रिब कमांड सेलेक्ट करो. प्रोफाइल रिब कमांड सेलेक्ट करने के बाद में इट विल आस्क टू सेलेक्ट दी प्लेन ऑन विच यू विल हैव टू ड्रॉ द प्रोफाइल. सो सबसे पहले यहाँ पर डिफाइंड सेलेक्ट करो, सेलेक्ट दिस प्लेन. मैं मिडल प्लेन सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर. ये प्लेन सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट द स्केच एंड दिस स्क्रीन शुड बी पैरेलल टू द प्लेन. सो हियर जस्ट टेक दी रेफरेंसेस हियर. इस तरह से मैंने यहाँ पर रेफरेंसेस लिया विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस टूल बार. आप कितने भी रेफरेंसेस ले सकते हो, इट विल नॉट बी कंसिडर इन द मॉडलिंग. ठीक है, पार्ट मॉडलिंग में हमारा कंसिडर नहीं होता है. तो हमको सबसे पहले प्रोफाइल रिब बनाने के लिए जस्ट इस तरह की एक ड्राइंग बनानी है. ड्राइंग बनाने के बाद में जैसे आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है, इसको यस क्लिक करना है. यू कैन सी दिस ड्राइंग इन दी डिफॉल्ट व्यू. डिफॉल्ट व्यू में देखने के बाद में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर जो डायरेक्शन बता रहा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन बता रहा है, बट हमको मटेरियल इनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करना है. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट इसको फ्लिप कर देना है. जैसे आप फ्लिप करोगे, सॉरी इसको फ्लिप नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है. यहाँ से सिर्फ इस एरो को क्लिक करो. जैसे आप एरो को क्लिक करोगे तो जो मटेरियल रहेगा दैट विल बी एडेड इन साइड द पोर्शन. ठीक है, अंदर के पोर्शन में. एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ द रिब. ये रिब का थिकनेस है, इसको डबल क्लिक करके आप थिकनेस इसका 15 कर सकते हो. एंड वॉट एवर द थिकनेस, आपको जितना भी थिकनेस रखना है आप थिकनेस रख के इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर मटेरियल ऐड कर सकते हो. यहाँ पर जो टूल दिखाई दे रहा है, फ्लिप टूल बार दिखाई दे रहा है, इसका यूज़ क्या रहेगा हमारा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा. 25 का मैंने थिकनेस दिया है. अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ तो इट इज़ एडिंग द मटेरियल ओनली वन साइड. अगर वापस क्लिक करोगे तो इट इज़ एडिंग द मटेरियल ऑन द अदर साइड. और वापस ये थर्ड टाइम जब आप क्लिक करोगे तो इट विल एड द मटेरियल सिमेट्रिकल टू द ज्योमेट्री. ज्योमेट्री के सिमेट्रिकली मटेरियल को ऐड करेगा. ठीक है, आई होप आपको ये कमांड समझ में आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.